सुप्रभात बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण के पहले पाठ का भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन किया और आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपनी बातों को दूसरों को बताते हैं। जैसे हम अपने मित्र से बातें करते हैं तो हम अपने मन की बातें उसे समझाते हैं तथा मित्र अपनी बात करके हमें अपने मन के भावों को समझाता है। तो भाषा के द्वारा ही हम अपने बातों को एक दूसरे को बताते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? दूसरा प्रश्न, भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने मुंह से बोलकर अपने भावों को दूसरों को बताते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे दादी के द्वारा बच्चों को कहानी सुनाना या बच्चे के द्वारा माँ से अपने मन की बातें कहना, ये क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर दूसरों को बताते हैं, लिखकर, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे राहुल माताजी को पत्र लिखता है, समाचार पत्र के द्वारा हमें देश और दुनिया की जानकारी मिलती है। लिखित भाषा में समाचार पत्र आता है। तो इसके अतिरिक्त दो अन्य भाषाएं होती हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब इशारे। जब मनुष्य संकेतों या इशारों के द्वारा अपनी बातें दूसरे को समझाता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात सिपाही या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चौराहे पे खड़ा होकर इशारों से गाड़ियों को इधर उधर भेजना, जो आप देखते हैं, वो ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अब लिपि किसे कहते हैं? लिपि मतलब चिन्ह। किसी भी भाषा के लिखने के चिन्ह होते हैं, हर भाषा के। तो भाषा के लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं उसे लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। हम लिपि से ही भाषा को लिखते हैं। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। अब हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों होती है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध सही रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। मतलब इससे हमें भाषा की जानकारी, शुद्ध जानकारी मिलती है, जिसमें हम लिंग और वचन संबंधी अशुद्धियां को क्या करते हैं? अशुद्धियों को दूर करते हैं, मतलब गलतियों को दूर करना सीखते हैं। अब कुछ भाषा और उनकी लिपियां हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उर्दू, अरबी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी। ये भाषाओं की क्या है? लिपियां हैं। अब अभ्यास देखिए, बैंक का चेक मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। रेडियो वार्ता मतलब रेडियो में जो हम बातचीत सुनते हैं, लिखित भाषा का उदाहरण नहीं है, ये किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, जैसा कि आपने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा, लिपि मतलब चिन्ह। भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, बिना लिपि के हम भाषा को लिख नहीं सकते। मनुष्य को अपनी बातों या विचारों को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की। अगर हमें भाषा, कोई भी भाषा नहीं आएगी, तो हमें अपनी बातों और विचारों को किसी को भी बता नहीं सकते।